ये सीमा के बारे में कुछ आपको बताया गया और पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है और आप रेस्टोरेंट में हमने साथ में खाना भी खाया है। लेकिन ये जो अभी मैंने वाक्य सुना, मेरे नीचे जमीन निकल गई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू वीडियो संगत। कैसे हो, क्या हाल है, ठीक हो? जैसा कि मैं हूँ आपका दोस्त नदी मिलोकर। दोस्तों आज मैं आपके बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि मैं बहुत मसरूफ था और हमारे दादू सिटी में बहुत ज़्यादा सेंटीग्रेड गर्मी का चल रहा है, 40-50 के करीब है सेंटीग्रेड। और आप बताना आपका क्या हाल है, ठीक हो? और आपके पास कैसी मौसम है, कहाँ कितना सेंटीग्रेड चल रहा है? मेरे साथ हमारा दोस्त है जी एम भाई, आया है कराची से, मैंने इसको बुलाया है और ये सीमा के बारे में कुछ आपको बताएगा क्योंकि मुझे नई मालूम नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने बोला तो नहीं दोस्तों को कोई नई अपडेट सुनाए, कोई न्यूज़ सुनाए। अभी ये हमारा दोस्त आया है सीमा के और सचिन के बारे में और सीमा हैदर के बारे में कुछ आपको गाइड करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी एम भाई। वालेकुम सलाम नदीम तना, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हो? अल्लाह के करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमारे दोस्त हमारे व्यूअर आपको पूरा आइडिया और पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है और आप जी बिल्कुल सीमा के बारे में क्या बोलना चाहते हो, क्या सीमा आपको बोल रही थी? आपसे रब्ता हुआ था सीमा का? सीमा से मेरा काफी समय से रब्ता होता रहता था और बहुत अच्छी लड़की थी और उससे मैं पहले भी मिल चुका हूँ। एक रेस्टोरेंट में हमने साथ में खाना भी खाया है और उससे पहले भी मिल चुका हूँ। लेकिन ये जो अभी मैंने वाक्य सुना, मेरे नीचे ज़मीन निकल गई। मुझे पता ही नहीं था ये ऐसे कर सकती है। अच्छा, आपसे उसने कब मुलाकात की और आपकी मुलाकात कैसे हुई? पबजी खेल रही थी? जी हाँ, मैं भी पबजी का बहुत प्लेयर हूँ, थोड़ा बहुत वो भी खेलती थी। फिर हम पबजी पे रब्ता हुआ, नंबर उसने दिया, फिर रिलेशनशिप हुई, फिर हमारा तकरीबन 2-3 साल से रब्ता होता रहता था। और नदीम भाई वो भी बताएं आप, ये जो बहुत सारों लड़कों को पबजी खेलती थी और बहुत लड़कों को बताती थी, मैं उनसे दोस्ती है उनसे आपसे आपके बारे आपको भी उसने ऐसा ही बोला या आपको? जी बिल्कुल, मुझे भी उसने ऐसा ही बोला होगा ऑब्वियसली, जाहिर बात है। औरों का तो मुझे पता नहीं, मुझसे वो बोलती थी पैकेज वैकेज करवाओ, डेट पे चलते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं। लेकिन इसकी सिचुएशन मुझे समझ में नहीं आई। एक बार झगड़ा भी हुआ था हमारा, फिर भी हम सेट हो गए। अच्छा। फिर हम उसने कहा था हम शादी करो, लेकिन मैंने कहा कुछ टाइम चाहिए, मैंने उसको कहा मैं कुछ बन जाऊँ फिर मैं आपसे शादी करूँगा, लेकिन उस वजह से वो फिर नाराज हो गई कुछ देर। हालांकि उसकी शादी हुई भी थी, उसका पति जो है सऊदी में भी रहता था। बिल्कुल, उसका एक असल पति सऊदी में। आप उसको कितना खर्चा देते थे? मैं तो उसको बेअंदाज खर्चा देता था और बेअंदाज प्यार भी करता था। बिल्कुल, बहुत उसको मैंने शॉपिंग भी करवाई है और मैंने उसको गिफ्ट भी दिलवाए, लेकिन ये उसकी आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो इंडिया चली गई है। वो इंडिया चली गई, इसका बिल्कुल मुझे अफसोस भी है और दुख भी है, क्योंकि मेरे साथ उसने ऐसा किया है तो औरों के साथ उसने कैसा किया होगा। ये बात। और आपको उसने बताया कभी मैं शादीशुदा हूँ या नहीं हूँ? नहीं, उसने के बारे में कुछ बताया सचिन के बारे में? अभी जो सचिन की पत्नी है वो सचिन, तो मुझे उसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में। उसने कहा मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती हूँ, वहाँ पे मेरी सैलरी 10-15 हज़ार। मैंने कहा अच्छा, अच्छी घर की है, तो मैंने कहा उसको टाइम लगेगा शादी करने में, कुछ बन जाऊँ, लेकिन फिर भी वो बातचीत करती रहती थी। और नदीम भाई वो हमारे दोस्तों को बताएं आप जी, जो अभी आप सोशल मीडिया पर सीमा को देखते हैं आपको जलन सी फील हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जलन सी क्या, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पे। मेरे को वो मिल जाए मैं इसको। उसका पति देखा है अभी जो सचिन मिला को? उसका पति तो मैंने देखा है वीडियो पे, उससे बातचीत करती रहती है। कितना काला और कितना घटिया है, वो एकदम मेरे चपरासी जैसा भी नहीं है, मेरे नौकर जैसा भी नहीं है। उसको हम गली के झाड़ू के लिए रखते हैं ऐसा वो एकदम। उस पर भी गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा अभी मेरे पास AK-40 हो ना, दोनों को उड़ा दो सालों को, ऐसा उसने सलूक किया। लेकिन लेकिन कोई बात नहीं, ये ऐसे लोग होते हैं नाफरमान जो दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं। इसको भी ब्लैकमेल करेगी और इसको भी छोड़ेगी इंशाल्लाह, इसको भी तकलीफ पहुँचेगी इंशाल्लाह।
और ये इसका जो शोर है यहाँ का वो बोल रहा है तो मैंने इसको अपने बच्चों को लूंगा, किसी भी तरीके से उसने केस किया है। मोमिन मलिक साहब उसका वकील है और इंडिया में यहाँ पर हमारा जो कराची में जो सारंग बर्मी ट्रस्ट उसने वो वहाँ पर वकील किया है। और इसका जो हैदर भाई है, हैदर भाई बोल रहा है मैं अपने बच्चे ही लूँगा, किसी तरह से मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, उसके बच्चे में आपको पता था उसके चार बच्चे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इसका एक बच्चे का भी पता नहीं था, इसके इतने सारे बच्चे, इसने पता नहीं एक दिन में कहाँ से इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए। पहली बात तो ये है, मैं आपको बताऊँ तो इस पर मुझे हैरानी हो रही है, इतने अर्सों के बाद इसका एक भी बच्चा नहीं था, फिर एट ए टाइम इसके चार चार बच्चे हो गए, ये मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। हाँ, मुझे ब्लैकमेल भी कर रही थी। और रही बात बच्चे तो माँ के होते हैं, जाहरी बात है माँ के होते हैं, हस्बैंड तो कहाँ पर रहे, बच्चे तो माँ के होते हैं। जी दोस्तों, ये उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ये हमारा नदीम एंड जीएम भाई हमारा। अच्छा, एक बात कहना चाहूँगा। जी जी आप। अच्छा, एक बात कहना चाहूँगा, ऐसे मामले में आप बिल्कुल दूर रहो, अपने फैमिली के साथ रहो, अपने फैमिली को गाइड करो, अपने फैमिली को टाइम दो, फजूल यारी बाशी में और मोबाइल को चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि ये अभी मेरे साथ वाक्या हुआ है तो कल खुदा ना खात आपके साथ भी ये वाक्या हो सकता है, क्योंकि बड़ा मेहरबानी ऐसे ही नाफरमान लोगों से और जो घटिया किस्म के लोग होते हैं और आपको इस्तेमाल करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से लेकर, तो बड़ा मेहरबानी इन चीज़ों से आप परहेज रहें और किसी से रब्ता ना रखें, हेलो हाय भी ना करें। और बहुत दोस्त को ऐसे होते हैं फेक नंबर बनाकर, फिर फेक आईडी बनाकर किसी को यूज करते हैं। और हमें जो इंडिया में जितने भी है, मोमिन मलिक साहब को बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है जो हमारा एडवोकेट है वहाँ पर, और जो हमारा हैदर भाई है उसका है, तो वो बोल रहे हैदर भाई बोल रहे थे हम इसके किसी भी तरह से बच्चे लेंगे। और ये अपडेट थी हमारे दोस्तों की, और कुछ बोलना चाहेंगे? बच्चे तो सारी गाल माँ के होते हैं, अगर उनमें आपस में सुलह हो जाता है, अगर उनकी हो गई, अभी जाहिर बात है ऐसे लोग होते हैं। उसका जो वालिद साहब है ना, उसका बच्चों का हैदर भाई वो बोल रहा है तो मुझे अपने बच्चे चाहिए, वो नहीं बच्चे दे रही इसको, नहीं देगी, क्योंकि बच्चे होते ही माँ के बाप के पास कैसे रहेंगे, कैसे देखभाल करेंगे? नहीं, वो हम तो चाहते हैं ना, हम तो चाहते हैं लेकिन मिले, हो जाए। मिले। हमारा यही कहना है कि भाई ये आपस में मिल जाए, हम तो आशिक लोग हैं, हम तो वैसे ही भटकते रहेंगे, तो रबते साबते होते रहते। कल भी नदीम भाई एक दो लड़की ने रबता किया था, लेकिन मैंने उनसे पता नहीं बातचीत नहीं की, इतना गुस्सा था मुझे कसम से, मैंने आप मैंने सीमा से बहुत मोहब्बत करते थे, बिल्कुल मोहब्बत करता था, प्यार करता था, मोहब्बत भी नहीं करता था, कोई नहीं करता था। नहीं, आपको जब पता चला ये इंडिया पर चली गई आपको फ्रॉड कर आपका नंबर बंधा रहा था? बिल्कुल बंधा रहा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन मैंने दो दिन से खाना नहीं खाया था और पूरी रात सोया भी नहीं था। आपसे तो बहुत बड़ी थी वो, बड़ी तो थी लेकिन प्यार मोहब्बत बड़ी चीज नहीं देखता। अच्छा, छोटा बड़ा नहीं देखता, छोटा बड़ा नहीं देखा, प्यार हो जाता है। चलो दोस्तों, ये थी सीमा की आपकी फुल मालूमात वीडियो, तो आइंदा आप भी सीमा जैसे और उस लोमड़ी का क्या नाम है, सचिन मीना, उसका पति सचिन मीना और सीमा जैसे लोगों से और उनसे बचे, फ्रॉड से बचे और एक अच्छी जिंदगी गुजारे अच्छे इखलाक के साथ, और अपना खाए अपना पिए, बाकी के चक्कर में ना आए। ये इश्क का मामला बहुत कठिन है, इसको सुलझाना और समझना और इसको मतलब मजबूत से पकड़ना हमारा काम है, हम धोखे में रहते हैं, हमेशा धोखा खाया है हमें। बड़ी आपकी मेहरबानी, चैनल पे जुड़े रहना, बाकी आपको हमारे जी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा दोस्त डीएम भाई और नदीम भाई कराची से आया है, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो समझाएं क्या करना है, लाइक करना है, मेहरबानी, धन्यवाद। अस्सलाम।